तो फाइनली जी नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस ज्ञान। दोस्तों आपको वीडियो शुरू करने से पहले यार मैं प्रूफ दिखला देता हूं कि वास्तविक में जो वीडियो बना रहा हूं वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है या कि नहीं। तो सबसे पहले यार मैं आपको यूट्यूब के एनालिटिक्स पर लेकर चलता हूँ, जहां पर देख सकते हो दोस्तों हमारे व्यूवर्स के द्वारा किस प्रकार से थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर थैंक यू के यार इतना भरमार पड़ा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया कि दोस्तों आपको मैं बता भी नहीं सकता। बहुत दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यार आपका भाई और आपका दोस्त इस चैनल पर ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करता रहता है। तो फाइनली जी नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस ज्ञान। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है आप अनोन वाईफाई के पासवर्ड को दोस्तों जान सकते हो। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा यार, वीडियो पर बने रहिएगा। चैनल पर नए आएंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका भाई इस कंटेंट पर, इस चैनल पर इस प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड करता रहता है। तो सिंपली यार सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यार किसी प्रकार के वेब ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले फाइंड टू वाईफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि हमारे पास कौन सा यहाँ पर वाईफाई है। दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हो यार, यह जो है यहाँ पर लॉक का निशान है और इसमें भी यहाँ पर लॉक का निशान है, ठीक है। लॉक का निशान होने के बावजूद दोस्तों यहाँ पर टिक लगा हुआ है, ग्रीन मार्क का है और कनेक्ट ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर कनेक्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। यह कैसा हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो पर बताऊंगा यार। तो दोस्तों चलिए मैं जो है शुरू से आपको डिटेल से बता देता हूँ कि क्या क्या करना है। उसको प्रोसेस जरूर थोड़ा सा यार यहाँ पर किसी प्रकार की लंबा नहीं होने वाला है, बट आपको यहाँ पर धीरे चलना है और वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना है। तो सिंपली यार आपको अपने जो है कंट्रोल पैनल पर आ जाना। कंट्रोल पैनल पर आने के बाद यार आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड सर्च का शेयरिंग का सेंटर आपको ढूंढना है, ठीक है। इसको ढूंढने के बाद यदि आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन नहीं आता तो यहाँ पर आने के बाद यार लार्ज आइकन, इसको स्मॉल आइकन पर कन्वर्ट कर दीजिएगा, या फिर कैटेगरी वाइज यहाँ पर जैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है व्यू नेटवर्क स्टेटस एंड टास्क, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर व्यू नेटवर्क का बेसिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन इंडा सेटअप कनेक्शंस, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद व्यू सीवर एक्टिव नेटवर्क, उसको आपको जाना है। उसके बाद दोस्तों मीडिया स्ट्रीमिंग ऑप्शन के पास चले जाना है। उसके बाद दोस्तों इसमें टर्न ऑन मीडिया स्ट्रीमिंग को आपको एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों उसको क्लिक करने के बाद यार आपको यहाँ पर एडवांस शेयरिंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर जो है नेटवर्क डिस्कवरी है, इसको ऑन कर देना है उसको, ताकि हमारे सामने कोई भी नेटवर्क आए तो दोस्तों वहाँ जो है ऑटोमेटिक तरीके से वो कनेक्ट हो जाए। इसको ऑन करने के बाद आपको इसको कट कर देना है। कट करने के बाद यार आपको यहाँ पर चेंज एडॉप्टर सेटिंग्स आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसको क्लिक करने के बाद यार यहाँ पर वाईफाई का जो है दिखाई देगा, उसको क्लिक करने के बाद यार आपको जो यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर जनरल्स लिखा हुआ है, ठीक है, जनरल्स लिखा हुआ है जिसमें कनेक्शन का सभी चीज दिया गया है, जहाँ पर आईपी एड्रेस वगैरह सभी चीज यहाँ पर कंटिन्यूटली है, लेकिन आईपी एड्रेस यहाँ पर छुपा हुआ है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। स्पीड यहाँ पर यार 144 MB/s का यहाँ पर बताया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर डिटेल की बात करते हैं तो यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर शो अप हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यार किस प्रकार से हमने जो लॉक था, अभी भी वो लॉक ही है दोस्तों, देख सकते हो ये पूरा लॉक ही है, लेकिन हमने उसका पूरा बायोडाटा यहाँ पर छान मार लिया। देख सकते हो यहाँ पर एक दोनों लॉक ही है और इसको हम क्लिक करेंगे तो ये भी कनेक्ट हो ही जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यार इस प्रकार से आने के बाद जो है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर जाना है। प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद यार क्लोज करते हैं, प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। प्रॉपर्टीज पर जाएंगे तो यहाँ पर नेटवर्क में शेयरिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको कैंसिल कर देना है। यहाँ पर दोस्तों डिटेल्स में जाएंगे तो डिटेल्स में जाने के बाद यार यहाँ पर वॉल्यूम प्रॉपर्टी वगैरह दिया गया है, ठीक है, इसको आपको क्लोज कर देना है। यदि हम डिटेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सारा डिटेल यहाँ पर वापस आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वायरलेस प्रॉपर्टीज का। तो वायरलेस प्रॉपर्टी पर आने के बाद यार SSD Redmi Note 9 Pro है, और दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क का टाइप है SS पॉइंट, नेटवर्क का अवेलेबिलिटी है। अब बात करते हैं कि पासवर्ड को किस प्रकार से फाइंड करते हैं उसको लेकर। तो पासवर्ड को फाइंड करने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी पर जाते हैं, यहाँ पर नेटवर्क का सिक्योरिटी कोड है, वहां पर 100 करेक्टर का ऑप्शन है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा इस प्रकार पासवर्ड इस प्रकार से शो अप हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी अनोन या नोन पासवर्ड जान सकते हो, दोस्तों अनोन पासवर्ड जान सकते हो बहुत बेसिक तरीके से, कि किस प्रकार से आप जो है एक अनोन वाईफाई के पासवर्ड को जान सकते हो। यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर जाते हो, यहाँ पर एनेबल कर दोगे तो ये किसी प्रकार की भी ऑटोमेटिकली तरीके से आपके जो है कंप्यूटर, लैपटॉप या दोस्तों यहाँ पर CPU पूरी तरह से आपको कनेक्ट करेगा। तो यह था यार जानकारी कि किस प्रकार से हम किसी भी अनोन वाईफाई या इंटरनेट के पासवर्ड को जान सकते हैं, हॉटस्पॉट के पासवर्ड को जान सकते हैं। जानकारी और वीडियो बेहतरीन लगा हो तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यार आपका भाई ऐसा कंटेंट चैनल पर प्रोवाइड करता रहता है। चलिए यार ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो पर मिलते हैं। चैनल पर नए हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।